गल बेरोजगारी की होंगी है तो बाहर जाने वाले बच्चों का रुझान देखा जाता है। अक्सर देखा जाता लोग आपके घर की रोटी चलाने वास्ते बच्चे रुजगार वास्ते बाहरले मुल्कों के जाते हैं। अज आस्ट्रेलिया जाने वाला बच्चा पैसों दुखों कभी भी पिछे नहीं रहा। तुसी आस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, तुसी पिछले दो चार दिन तो साड़ियां वीडियो देखियां कि अज आस्ट्रेलिया दे विच बहुत भारी मंग है, कामियां दी बहुत ज़्यादा लोड है। जेकर तुसी एक स्टूडेंट हो बाहर जाके अपना फ्यूचर बनाना चाहते जे तो एक गोल्डन टाइम है जो तुसी वीज़ा लैके अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सकते हो। हर रोज़ गल करते हो ना बच्चों की जिन्हों की पढ़ाई के गैप नहीं हों, अज गल करा उन्होंने बच्चों की जिन्होंने 2018 के प्लस टू की है। तुसी प्लस टू 2018 के पढ़ाई के गैप है। तुसी किसी भी कंसलटेंट के कोल जाते हो तो कहा जाता कि नहीं तुहाडा पढ़ाई से गैप है, तुहाडी फाइल नहीं लगनी। साल 2018 के जिन्हां बच्चों ने प्लस टू की पढ़ाई के चार तो पाँच साल का गैप हो चुका है, यहोजे बच्चे खज्जल हो रहे हैं, उन्होंने फाइल कोई नहीं फड़ता पाया। दूसरी कैटागरी उन्होंने बच्चों की है जिन्होंने बारहवीं पास की है और स्पाउस वीज़ा से आस्ट्रेलिया जाना चाहते ने, फाइल लानी है। स्पाउस वीज़ा बारहवीं पास तुसी की है, तुसी पति पत्नी इकट्ठे फाइल लाओगे, 20-25 दिन लगते हैं वीज़ा आने। तुसी नवे ब्याह दे नाल भी फाइल ला सकते जे, तुसी नवे फंड दे नाल भी फाइल ला सकते जे। तुहाडी पति पत्नी की पढ़ाई दे विच ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, पति पत्नी की उम्र दे विच ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। गैप का मतलब पति पत्नी की उम्र दे विच 2-4-5 साल का फर्क है चल जाएगा। जे पति पत्नी पति और पत्नी दोवां दी उम्र दे विच 12-15 साल का गैप है फिर इस गैप दे नाल स्पाउस वीज़ा नहीं लगता। तुसी नवी शादी कराई है या तुसी नवी शादी करा के बाहर जाना चाहते जे, एक दिन पुराना विआह मंजूर है। जेकर लड़की ने बारहवीं की है, लड़के ने दसवीं भी की है, फिर भी ये चीज़ मंजूर है। तुसी सिडनी जाना वै, मेलबर्न जाना, किसी भी शहर के जाना, थोड़ा दाखला होएगा, थोड़ा स्पाउस केस कट्ठिया का लगेगा और कट्ठिया का ही वीज़ा आएगा। स्पाउस केस जाने वाले बच्चों 15-20 लाख रुपए के फंड शो करने पैंदे है। जिन्हां बच्चों ने प्लस टू साल 2018 दे विच कीती है वो बच्चे अक्सर गैप पूरा करन वास्ते जाली कागज लगा देंगे है। तुसी 2018 च प्लस टू कीती है, तुसी सानू दसना वा, तुसी मेरे नाल बैठो आके मैनू दसो तुसी इस गैप के दौरान की कीता, असी जस्टिफिकेशन देंगे। अज आस्ट्रेलिया अंबैसी कहानी मंगदा तुहाडे कोल, आस्ट्रेलिया अंबैसी चाहती है तुसी उन्हां नूं सच दसो तुसी इस गैप च की कीता। तुसी मझां गावां नूं पट्ठे पाए है, तुसी आपदी खेती कीती है, तुसी माँ बाप दी उन्हां दे कारोबार दे विच हथ वंडाया, करोना दे विच तुसी कोई काम नहीं कीता, तुहाडे घर दा जी को बीमार हो गया सीगा, तुसी उहदी दवाई दारू च लगे रहे, ये भी चीज़ एक्सैप्टेबल है। तुसी नकली डिप्लोमे ला के जो अप्लाई करते हो फिर तुसी वीज़ा रिफ्यूजल का सामना करते हो। साल 2018 च प्लस टू की है, तुसी कुछ नहीं किया उस तो बाद, मैं मान लेना तुसी कहने मैं कुछ किया ही नहीं, एक बारी बैठो आके मेरे नाल, मैं तुहाडे अंदरों कढ़ा के दिखाऊंगा तुसी की किया वै। साल 2018 वाले नूं पुछो अच्छा दसो तुसी बारहवीं तो बाद की किया, वो कहिंदे जी कुछ नहीं किया। उन्हें पुछो कि तुसी आयल्स की सी, हाँ जी की सी जी, मेरे बैंड उदों 5 आए सी, की तुहाडे कोल 5 बैंड दा आयल्स दा सर्टिफिकेट है? तुसी किन्नी वारी आयल्स की है? तुसी कोई कंपीटिशन एग्जाम की तैयारी करते सी? बहुत सारे पढ़े हुए बच्चे पढ़ाई से 2-4 साल का तक गैप पा देंगे है क्योंकि बच्चा कंपीटिशन एग्जाम की तैयारी करता। बहुत सारे बच्चे बारहवीं तो बाद नीट की प्रीख्या का कोचिंग लेंदे है, एक दो बारी ट्राई करते हैं। बहुत सारे बच्चे जेई की प्रीख्या की तैयारी करते हैं। तुसी इदा का कोई भी एग्जाम किया वा, तुहाडे कोल उहदा एविडेंस है, उहदे नाल गैप पूरा हो जाता है। प्रॉब्लम उदों आती है जो तुसी नकली डिप्लोमिया के सर्टिफिकेट लगाते जे। याद रखियो अज आस्ट्रेलिया का आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस बहुत ज़्यादा तेज़ है। तुसी जिस भी स्कूल कॉलेज तो डिप्लोमा बना के लाना है, अंबैसी को ऑलरेडी रिकॉर्ड है उन्होंने सारे
फर्जी डिप्लोमिया का डिग्रिया का जिथे थोड़ा केस फड़िया जाना। तुसी कहते हो तुसी किसे ISO सर्टिफाइड कंप्यूटर सेंटर तो 2 साल का कोर्स किया, वही कंप्यूटर सेंटर पता नहीं किन्ने लोगों ने वो सर्टिफिकेट बना के दिते होने और पूरा का पूरा रिकॉर्ड आस्ट्रेलियन एम्बैसी के कोल पिया हुआ कि केड़ियां केड़ियां फाइलों के जाली कागज लगे है। तुसी खाली छड़ दियो गैप न जस्टिफाइड कर दियो, गल्लां दे नाल गैप पूरा करो, SOP च लिखो तुसी इस दौरान की किया, तुसी क्यों वीजे दे हकदार जे सानू मिलो आके तुहानू कली कली चीज़ दसांगे किदां तुसी गैप दे नाल वीजा लै सकते जे। प्लस टू पास स्पाउस वीजा कहिंदे लगदा ही नहीं, क्यों नहीं लगदा? क्योंकि दाखला कोई नहीं दिंदा। असी बहुत सारे प्रोवाइडर नाल काम करते हाँ जिहड़े तुहाडे कागजां दे बेस ते तुहानू CO इशू करनगे। प्लस टू पास स्पाउस का वहम की है, इस करके नहीं लगता क्योंकि अपलाई कोई नहीं करता, असी तुहाडा केस अपलाई करांगे। बहुत धन्यवाद जिहड़े लोग अज्ज साडे कोल विजिट किए जलंधर दे विच, तुसीं मैनूं पर्सनल मिलना चाहते हो, कल मैं सारा दिन चंडीगढ़ ऑफिस के हाँ, तुसीं कल सवेरे 10 बजे तो शामी 4 बजे तक चंडीगढ़ ऑफिस जाके मैनूं मिल सकते जी। कोशिश करांगे तुहाडी उम्मीदां ते खरे जरूर उतरीए, 20-25 दिनों के वीज़ा आ रहा, थोड़े पैसों ना भेजने की कोशिश करांगे, तुसीं फुल टाइम काम कर सकते हो। ये अपरचुनिटी उन्होंने लोगों लिए है जिहड़े मेहनत मजदूरी करना जानते ने, जिन्होंने सवेरे उठ के कभी पानी का गिलास नहीं आप पीता, जिहड़े बच्चों नूं बैड के उत्ते ही बैड टी पीन की आदत है, ये अपरचुनिटी उन्होंने बच्चों लिए नहीं है, ये उन्होंने बच्चों लिए अपरचुनिटी है जिहड़े अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते ने, वो बच्चे जिहड़े अपने माँ बाप का कर्जा लाना चाहते ने, वो बच्चे जिहड़े जिंदगी च कुछ बनना चाहते ने। जेकर तुसी मेहनत तो नहीं डरते तो तुसी 5 लाख रुपया महीने का कमा सकते हो आस्ट्रेलिया च। हुण ये तुहाडे ते है कि तुसी 5 लाख रुपया कमाना है कि तुसी 50,000 रुपया घरों मंगाना है। ज़्यादा जानकारी ली कल मैनूं चंडीगढ़ मिलो और अपने सारे केस की जानकारी लो। धन्यवाद।